आइए आज बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। बांग्लादेश में दंगे चल रहे हैं और इसका वजह रिजर्वेशन है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के बारे में बात करते हैं। इसका कैपिटल ढाका है और इसमें 91% पॉपुलेशन इस्लाम फॉलो करती है। इसको इंडिपेंडेंस पाकिस्तान से मिली थी 1971 में और इसमें इंडिया का हेल्प था। एरिया के हिसाब से अगर हम बात करें तो बांग्लादेश 92 नंबर की कंट्री है और पॉपुलेशन के हिसाब से 8 नंबर की कंट्री है, जिसमें 16.98 करोड़ लोग रहते हैं। करेंसी की बात करें तो टाका है। इसके अलावा बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वो इंडिया के साथ शेयर होता है, उसके अलावा म्यांमार के साथ शेयर करता है। इसके अलावा एक एरिया है चिकन नेक करके, वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये एंटी कोटा को लेकर चल रहा है और इसमें करीब 400 लोग घायल हो चुके हैं और कई लोग मर भी चुके हैं। और इसमें जो मेन रीज़न है वो कोटा, जॉब कोटा सिस्टम है। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट जो बढ़ रहा है वो है। आगे अगर कि इस प्रोटेस्ट की वजह क्या है, तो 5 जून को हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था जिसमें 30% जो इनका रिजर्वेशन था ख़त्म कर दिया गया था 2018 में, इसे दोबारा लागू कर दिया गया। और ये जो रिजर्वेशन था वो फ्रीडम फाइटर जो इनके लिए लड़ाई लड़े थे इंडिपेंडेंस के लिए, उनके बच्चों के लिए था। और ये इससे पहले 2018 को शेख हसीना ने ख़त्म कर दिया था, जब 2018 में सेम प्रोटेस्ट हुआ था, मैसिव प्रोटेस्ट हुआ था ये हटाने के लिए, और उस समय ये हटा भी दिया गया था। ये कुछ फोटो हैं, ये यहाँ के स्टूडेंट ने रोड ब्लॉक कर दिया है और ये उनके साथ जिनकी डेथ हो चुकी है उनकी बॉडीज़ हैं। और ये मैसिव प्रोटेस्ट चल रहा है बांग्लादेश में। अगर हम बात करें कि ये कोटा सिस्टम क्या है बांग्लादेश में, तो ये 1972 से स्टार्ट हुआ था। जो इनके फाउंडिंग फादर थे शेख मुजफ्फर रहमान, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। और इसमें क्या था कि टोटल 100% में सिर्फ 44% ही मेरिट बेसिस पे जॉब मिलने वाले थे, और इसके अलावा जो 56% था वो डिफरेंट लोगों को बांट दिया गया था रिजर्वेशन के हिसाब से। और इसमें 30% था जो इसमें फ्रीडम फाइटर के चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन शामिल थे। इसके अलावा 10% था वोमेंस के लिए, 10% था जिला कोटा जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आती थी। इसके अलावा 5% था एथनिक माइनॉरिटी के लिए और 1% था फिजिकली डिसेबल्ड लोगों के लिए। ये 1972 में ये कोटा सिस्टम बनाया गया था। आगे हम देखें तो ये उसी का पाई चार्ट है। 30% फ्रीडम फाइटर के बच्चों के लिए और ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए था, 10% वोमेंस के लिए था, 10% जिला कोटा बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए था, 5% एथनिक ग्रुप के लिए था और 1% डिसेबिलिटी के जो लोग थे उनके लिए था। आगे देखें तो ये जो प्रोटेस्ट है ये डिमांड क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये डिमांड करते हैं जो 30% कोटा दिया जा रहा है फ्रीडम फाइटर को, इसको हटा दिया जाए। इसके अलावा जो इथनिक ग्रुप और डिसेबिलिटी के साथ जो पीपल हैं इनके सपोर्ट में है ये, इनको हटाने के इन बात नहीं कर रहे हैं ये लोग। आगे देखें तो ये फोटो है कुछ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में, और इसमें शूट ऑन साइट का भी स्टार्ट हो गया है। कर्फ्यू लग चुका है बांग्लादेश में और देखते ही गोली मारने का सरकार ने वो दे दिया है। आगे देखें तो इसमें एक और बात जुड़ गई, जब इंडिया की वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया कि वो शेल्टर प्रोवाइड करेंगी बांग्लादेश के गवर्नमेंट से जो भी यूथ भाग के इनके पास आएंगे शेल्टर के लिए। और इन्होंने ये कहा कि बंगाल का डोर खुला रहेगा इनके हेल्प के लिए। और इस पे जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं हसन मोहम्मद, इन्होंने अपना कंसर्न जारी किया और इंडिया को भी इसको बताया कि ये अच्छा कमेंट नहीं है और इसको इस पे ऑब्जेक्शन अपना बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।